आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मूंग दाल पकोड़े। इनको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये आपको पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रखेंगे। और मूंग दाल एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और ये हेल्दी व टेस्टी ब्रेकफास्ट का विकल्प है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कप साबुत मूंग दाल। इसे हमने रात भर पानी में गला दिया था, अब ये अच्छे से गल चुकी है। आइए इसे हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। दाल को हमने बिना पानी डाले दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड कर देते हैं। एक बाउल बारीक कटा हुआ बंद गोभी, एक बाउल बारीक कटा हुआ प्याज, एक बाउल ग्रेट की हुई गाजर, एक बाउल ग्रेट किए हुए बॉयल आलू, बॉयल आलू से हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कुछ ग्रेट करा हुआ अदरक, आधा कप चावल का आटा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग। अब अपने मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर हमारा मिक्स हो गया है, इसने डो की शेप ले ली है। आइए इसके हम पकौड़े तल लेते हैं। इसकी हम इस तरह से मीडियम साइज की बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमारी सारी बॉल बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम अपनी बॉल डाल देते हैं। स्लो फ्लेम पर क्रिस्पी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि मेरी नई रेसिपी का वीडियो आपको मिल सके। लाइक, शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारे पकौड़ों पर सुनहरा कलर आ गया है, अभी इन्हें थोड़ा सा पकाने की और आवश्यकता है। हमारे पकौड़े दोनों साइडों से अच्छे क्रिस्पी सिक गए हैं। इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम अपने बाकी के पकौड़े तल लेते हैं। पकौड़ों के साथ सर्व करने के लिए हम मिर्च फ्राई कर लेते हैं।
फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में लगा लेते हैं। इन्हें हम हरे धनिये की चटनी और टमेटो केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। ये इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। आप इसे बनाकर टी टाइम या छोटी भूख में एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।